हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कुछ ओप्पो की तरफ से लीक्स निकल के आ रही हैं कि ओप्पो का रेनो एस तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन होने वाला है। इसकी लॉन्चिंग जो है डेट की लीक्स निकल के आ रही हैं कि ये 5 दिसंबर 2019 को लॉन्च हो सकता है, तो काफ़ी खास फ़ोन होने वाला है। तो देखते हैं इसकी खास स्पेसिफिकेशंस और किस तरीके की इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओप्पो की तरफ से लीक्स आ रही हैं कि ओप्पो का रेनो एस 5 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है। तो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। इसमें जो डिस्प्ले का साइज़ आने वाला है वो आपको 6.53 इंचेस मिलने वाला है। इसमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलने वाली है वो फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलने वाली है और ये IPS पैनल होगा। और इसमें एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जो आपको मिलने वाला है वो 9.0 Pi का एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ में आपका होने वाला है। और इसमें कैमरे परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें 4 कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन प्राइमरी सेंसर दिया गया है वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो काफ़ी लार्ज आपको दिया जा रहा है इसमें कैमरा सेंसर, और बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक होने वाली है। और पिक्चर साइज़ जो है आपका बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होगा, आप कितना भी इसको जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए आ रहा है, जिससे आप 175 डिग्री तक के इसमें शॉट्स ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड शॉट्स जिसकी जो दी जा रही है वो 8 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है। और नेक्स्ट, इसमें जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है डेप्थ सेंसिंग कैमरा, वो आपका 13 मेगापिक्सल के लिए दिया जा रहा है। और जो लास्ट इसमें दिया जा रहा है 2 मेगापिक्सल का, वो मैक्रो चीज़ें हैं, जैसे छोटी से छोटी चीज़ का आपको पिक्चर पास से लेना है तो इस कैमरे के थ्रू आप ले सकते हैं। तो ये 4 कैमरे का सेटअप इसमें दिया जा रहा है। और फ्रंट कैमरा जो दिया जा रहा है इसमें 20 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी आपकी सेल्फी होने वाली, हाई रेजोल्यूशन सेल्फी होने वाली और विद LED फ्लैश। इसमें सेल्फी में LED फ्लैश भी दिया है, तो आप नाइट में काफ़ी अच्छी अपनी सेल्फी ले सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बात करते हैं इसमें प्रोसेसर की, तो इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जा रहा है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलने वाली है। सारी चीज़ें आप अच्छी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसमें जो दी जा रही है वो 4300 mAh दी जा रही है, 4300 mAh, तो काफ़ी लार्ज बैटरी दी जा रही है। और इसमें वो 3.0 चार्ज सपोर्ट करने वाला है, तो काफ़ी फास्ट आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होने वाली है। लगभग 1 घंटे में आपकी 80-90% बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी, तो काफ़ी फास्टली आपकी बैटरी इस फ़ोन में चार्ज होने वाली। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं इस फ़ोन की। तो बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।